कपड़ा उद्योग पर जीएसटी के दरों में बढ़ोतरी के मुद्दे पर मंगलवार को कोई शुभ मंगल होने के संकेत मिले हैं। 1 जनवरी 2022 से कपड़ा पर जीएसटी का इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर हटाकर यान के कच्चे माल पर 18% के अलावा अन्य सभी वैल्यू एडिशन चेन पर 12% जीएसटी लागू होगी। सूरत सहित देश के कपड़ा उत्पादकों में विरोध देखते हुए 14 दिसंबर मंगलवार को दिल्ली में टेक्सटाइल मंत्री की अगुवाई में स्टेक होल्डर्स की मीटिंग है। हालांकि सूरत से कुछ अग्रणियों को ही बुलवाया गया है, उनके आने से बाकी रहे अग्रणियों में आक्रोश देखने को मिला है। उन्हें भी मीटिंग में स्थान देकर उनकी बात सुनने की मांग शुरू हुई है। कर ढांचे में से बाहर आने वाले कपड़ा उद्योग को 1 जुलाई 2017 से 18, 12, 5 और 5% की इन्वर्टेड ड्यूटी चेन में शामिल करके जीएसटी वसूली शुरू की थी। पहली बार जीएसटी का अमल के समय सूरत की अगुवाई में देश भर के कपड़ा उत्पादकों ने विरोध जताया था। अब जबकि 1 जनवरी 2022 से फिर से जीएसटी के दर में बदलाव होने जा रहा है, ऐसे में उद्योग को होने वाले विपरीत असर का कारण बताते हुए सूरत के अलावा अन्य राज्यों में से जीएसटी के नए दरों का विरोध किया जा रहा है। 12% जीएसटी के दर से होने वाले अमल से होने वाले नुकसान के बारे में एमएमएफ के स्टेक होल्डर्स के साथ मंगलवार 14 दिसंबर को दिल्ली में मीटिंग होगी। हालांकि इस मीटिंग में सूरत के कुछ अग्रणियों को ही बुलाया गया है, ऐसे में अन्य बड़ी संख्या धारक संस्था के अग्रणियों में नाराजगी है। अग्रणियों का कहना है कि सूरत पॉलिएस्टर कपड़ा में 65% हिस्सा है। रविवार को शहर के एक कार्यक्रम में कपड़ा राज्य मंत्री दर्शना जरदोस ने कपड़ा पर जीएसटी के मुद्दे पर सवाल के जवाब देते हुए कहा कि जीएसटी के दर को लेकर स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग होगी, उनकी बात सुनने के बाद ही कोई निर्णय की और बढ़ेंगे। उद्योगिक है में पेशकश की जा रही है। फोगवा प्रमुख अशोक जीरावाला ने बताया कि 50,000 वीवर्स की संस्था फोगवा को भी मीटिंग में स्थान मिले, इसीलिए हमने कपड़ा मंत्री और सचिव से मांग की है। नए दर का सबसे बड़ा असर वीवर्स पर होगा, जबकि फोस्टा प्रमुख मनोज अग्रवाल ने बताया कि कपड़ा व्यापारी भी अहम है और उन्हें दर किनार नहीं कर सकते। टेक्सटाइल युवा ब्रिगेड द्वारा जीएसटी के नए दर के खिलाफ 16 से रामधुन मार्केट विस्तार में गाकर आंदोलन शुरू किया जाएगा। साथ ही अन्य कपड़ा व्यापारियों को भी 16 से कपड़े का बचा स्टॉक बेचने और नई खरीद रोकने को कहा जा रहा है। दूसरी ओर एसएमए के प्रमुख नरेंद्र साबू ने बताया कि हम सोशल मीडिया कैंपेन में से विरोध शुरू किया है।